एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन. देर आर दे आर ऑफ मेनली 20 काइंड्स. फ्री अमाइनो एसिड जो अगर एक इंडिविजुअल ब्लॉक है, एज यू कैन सी, अगर एक इंडिविजुअल ब्लॉक है तो हम उसको अमाइनो एसिड का नाम देंगे. बट वेन ऑल दीज ब्लॉक्स वर्क टूगेदर, दे ज्वाइन टूगेदर, उसको हम एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर का नाम देंगे एंड उस स्ट्रक्चर का नाम है प्रोटीन. क्लियर हुआ ये सबको? Yes, ma'am. Clear हुआ ये? Yes, ma'am. Okay. So now talking about the amino acids, the very first point we have to remember is that they are the building blocks of protein and इसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन का इन्वॉल्वमेंट होता है. नेक्स्ट इज दे आर कंपोज्ड ऑफ द अमाइनो ग्रुप, कार्बोक्सिल ग्रुप, हाइड्रोजन एटम, द डिस्टिंक्टिव साइड चेन एंड ऑल ऑफ देम आर अटैच्ड टू द सेंट्रल एटम व्हिच इज कॉल्ड द कार्बन. सो लेट्स ट्राई टू मेक इट आवर सेल्स. We can discuss it here itself. Oh, screen show me. Okay, so this is how the structure looks like. So we have the first bond. We have the central carbon, which is called the C alpha. Then we have the H, which is the hydrogen atom. After that, we have COOH, which is the carboxyl group. After that we have NH3 which is the amino group and यहाँ पर एक variant group होता है. इस particular structure के अंदर CH3 लिखा है but उसको हम generally R से denote करते हैं. So अगर हम उसको खुद draw करें, so we have C, then we have COOH which is the carboxyl group. इस side पे we will have NH3, on the top we'll have hydrogen and on the downside we'll have R. इस R के अंदर कुछ भी कोई भी वेरिएंट ग्रुप हो सकता है एंड डिपेंडिंग ऑन यहाँ पर कौन सा वेरिएंट ग्रुप होगा हमारा अमाइनो एसिड चेंज होगा. वी हैव वेरियस टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड लाइक एलेनिन, आर्जिनिन, एस्पारजिन, एस्पार्टिक एसिड, सिस्टीन, सो ऑन एंड सो फोर्थ. हमारे R के चेंज होने पे हमारा जो साइड ग्रुप है और डिस्टिंक्टिव साइड चेन है, इसके चेंज होने पर ही हमारे अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर चेंज होगा और जो अमाइनो एसिड है वो डिफरेंट नाम से जाना जाएगा. ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज दैट अमाइनो एसिड्स आर एम्फोटेरिक इन नेचर. एम्फोटेरिक का मतलब क्या होता है?